हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जीवन में कभी कभी एक ऐसी शख्सियत से भी मुलाकात हो जाती है जो अपने आप में एक संघर्ष का प्रतिरूप है, साधना का प्रतिरूप है, तपस्या का प्रतिरूप है। एक शख्सियत जो जीवन की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया है, ना कि एलिवेटर से या लिफ्ट से, जिसने जिंदगी की तपिश को देखा, जिंदगी की जो जद्दोजहद है उसको देखा। दरअसल सृजन की यात्रा कुछ ऐसी होती है जहां पर मोड़ हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं। इस सृजन की यात्रा में, जिसे मैं हमेशा राइट ब्रेन की एक्टिविटी कहता हूं, चीजें उतनी आसान नहीं होती हैं जितनी लेफ्ट ब्रेन से जो कॉग्निटिव हमारी क्वालिटीज होती हैं वो होती हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें जीवन के अंदर अनिश्चित हो जाती हैं। सफलताएं, असफलताएं, ये सब जीवन के एक हिस्से हैं, आएंगे जाएंगे। पर जीवन को हम किस नजरिए से देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग हैं जो एक नए पैराडाइम सेट करते हैं, नए आयाम सेट करते हैं जीवन में, लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं, लोगों के लिए एक किस्म से एक रोल मॉडल, एक मशाल बनते हैं, जिनको लोग देखकर प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ, हम भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो आज मिलते हैं प्रेरणा के प्रतीक अभिनेता यशपाल शर्मा जी से। यशपाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत सबसे पहले तो आभार आपका कि आपने समय निकाला और आप आए। और मैं दर्शक मित्रों आपको सूचित कर दूं कि यशपाल जी एक बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, और ना जाने कितनी ही फिल्मों में उन्होंने काम किया। आप उन्हें लगान, गंगा जल, अब तक छप्पन, लक्ष्मण, सिंह इज किंग, आरक्षण, राउडी राठौर और अनगिनत फिल्मों में आपने उन्हें देखा है, अलग अलग रूप में देखा है। कभी वो एक, क्या कहते हैं, कि एक फाइटर का रूप है, कभी एक विलेन का रूप है, लेकिन अल्टीमेटली वो किसी, क्या कहते हैं, चरित्र को अभिनीत कर रहे हैं, उसको निभा रहे हैं पर्दे के ऊपर। तो एक अच्छा अभिनेता वो होता है कि कोई भी चरित्र हो, उसको क्या कहते हैं, कि एक बहुत आराम से उसको निभा के चला जाए, जहां लोग उनको उसी रूप में स्वीकार कर लें। यशपाल जी, सृजन की इस यात्रा में, बल्कि कहा जाए संघर्ष, तपस्या और साधना की इस यात्रा में आपका स्वागत है। ये यात्रा मैं कहां से प्रारंभ करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि यात्रा आपने प्रारंभ की है। ये यात्रा कहां से प्रारंभ होती है और इसके पीछे क्या कारण थे, कहां से आप इंस्पायर्ड हुए और कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ यशपाल जी? लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए एक सवाल जरूर है जो मेरे पास भी आए हैं। यशपाल शर्मा कौन है एक व्यक्तित्व के रूप में? लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं, जानते हैं या जानना चाहते हैं? आपकी नजर में यशपाल शर्मा एक व्यक्तित्व के रूप में पहले? मैं एक सहज, सिंपल, साधारण, सरल इंसान हूं और वही मानता हूं। मैं नहीं मानता कि सेलिब्रिटी बन के या कुछ पर लग जाते हैं या पंख लग जाते हैं, या क्योंकि हमारी जर्नी और एक आम आदमी की जर्नी और एक राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की जर्नी या कोई भी इंसान हो, उसकी जर्नी वही रहती है। सुबह उठना, खाना पीना, सोना, प्यार, इमोशन, फीलिंग्स यही रहते हैं, और सबको सोने के लिए वही एक 6 फीट की जगह चाहिए होती है, और सबको उस 6 फीट में ही जाना है अंततः, चाहे वो लकड़ी का अंबार हो उसके ऊपर बैठ करके या अंदर गहरे में 6 फीट से। तो बात वही है, तो अगर उनका भी वही है तो मेरा भी वही है, तो मैं अलग कैसे हुआ या कोई अलग कैसे हुआ? तो मैं अपने आप को सबसे पहले एक सरल, सिंपल, सहज इंसान मानता हूँ और वही रहूंगा जिंदगी भर, ऐसा मेरा मानना है। और जब, क्योंकि मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस फील्ड में इसीलिए आया हूं ताकि मैं कई किरदार जी पाऊं एक ही लाइफ में, ताकि कोई मलाल ना रहे कौन सा करेक्टर है जो ना कर पाऊं, वो सब कुछ करना चाहता हूं और अच्छे से
अब जाकर के कहीं लग रहा है कि एक्टिंग में थोड़ी मैच्योरिटी आई है, तो अब मैं थोड़ा और सीरियस हुआ हूँ और गहरे में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं अपने मन का काम कर रहा हूँ, अब मैं वो वाले करेक्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढता रहता हूँ कि कब कहाँ मौका मिले, पैसा मेरे लिए उस वक्त सेकेंडरी हो जाता है और बहुत कुछ प्राइमरी हो जाता है जब मुझे करेक्टर कोई वैसा दिखता है करता हूँ। एंड जर्नी इज ऑन, संघर्ष जारी है, साधना भी जारी है, और अभी आने वाले समय में कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, शायद मेरी जिंदगी का बेस्ट काम अभी तक नहीं आया, वही कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, हरियाणा के छोटे से शहर से निकले और पहले दिल्ली तक आए, एक बड़ा मंच NSD का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मुझे लगता है कि NSD की जो एक, जी उससे पहले मैं एक बार चंडीगढ़ गया था, इंडियन थिएटर है, ड्रामा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहां मेरा हो गया था, NSD में 3 बार नहीं हुआ था मेरा, तो वहां हो गया था चंडीगढ़ में, फिर वहां से मैं 1 साल करने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे NSD करनी थी, तो फिर मैं वहां गया। जी करिए। तो ये जो यात्रा हरियाणा से वाया चंडीगढ़ जो दिल्ली की होती है, एक महानगर की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक बड़ा मंच, जिस मंच से हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि वो भारतीय सिनेमा की एक नींव बन गया बाद में, शुरुआत से बना, और कुछ ऐसे उन्होंने कलाकार दिए जो इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। शायद NSD इंसान के उन आयामों को पढ़ लेता है जो उसके अंदर छुपे होते हैं। NSD ने जब आपको निखारा, संवारा, तो किस रूप में संवारा, और आपको वहां जाके वो मंच अलग से क्यों महसूस हुआ, कैसा लगा कि हाँ NSD क्यों अलग है, और वहां पर आपके जीवन के कौन से आयाम थे जो निखर कर बाहर आए? जी बिल्कुल, आपके इस सवाल में एक और सवाल छुपा हुआ है जिसको बहुत नए लोग जो इस फील्ड में हैं उनकी जिज्ञासा होती है जानने की, कि क्या ट्रेनिंग जरूरी है? किसी भी इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग लेना, 3 साल खर्च करना या वेस्ट करना, जिसको कई लोग बोल देते हैं, जैसे तो 3 साल, अरे बाप रे, और अब लगता है कि वो 3 साल भी कितने कम है, कितने कम थे, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये जिंदगी भर की ट्रेनिंग है। हर फिल्म ऐसी लगती है जैसे एक पहली फिल्म है, हर नाटक ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का पहला नाटक है, और NSD इसीलिए अलग है क्योंकि NSD ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया पहले, क्योंकि हम सुबह उठते ही थिएटर, रात को सोते तक थिएटर 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 के अलावा कुछ नहीं सोचते थे, और पूरी बॉडी में, रगों में बस गया था, हर वही काम करते थे जो क्लास में हो रहा है, जो होमवर्क मिला है, या कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई नाटिका करनी है, या कोई सीन वर्क करना है, या कोई कुछ भी। तो NSD ने मुझे एक वो कंसंट्रेशन दिया, वो एकाग्रता दी जो आज इस मोबाइल के जमाने में खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे, इवन 5वीं 6वीं के बच्चे, 3री क्लास के बच्चे तक भटक गए हैं और उनको ये इसमें मशीन में उलझ गए हैं। लेकिन हमारे, जब मैं NSD कर रहा था उस वक्त मोबाइल नहीं थे जी, तो 91 से 94 मोबाइल, 96 तक फिर मैं रिपेक्टरी में था 2 साल, तो उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो एक अलग ही दुनिया समझ में आती है। आज पता नहीं क्यों आज हमारा चार्जर गुम जाए या बिजली चली जाए या मोबाइल इधर उधर हो जाए तो हम पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं याद करता हूं कि उस वक्त जब लेटर का जमाना था, ये था वो था, आप भी उसी जमाने से हैं, बल्कि आप मेरे से भी शायद पहले से होंगे, तो वो जो कंसंट्रेशन मिला है ना NSD में, और वो जो किसी नाटक को लेकर के या किसी करेक्टर को लेकर के एक एक जर्नी कैसे तैयार करें उसको, और अपने आप का आत्ममंथन जो कि आजकल भूल गए हैं हम लोग, हम दूसरों का मंथन जरूर करते हैं और दूसरों की कमियां और दूसरों की तरफ ज्यादा देखते हैं, और आत्ममंथन और अपने अंदर हम कम झांकते हैं, और ये बहुत जरूरी है, और हम सिर्फ अपनी ही अपनी गाथा बोलते रहते हैं, हम दुनिया क्या कर रही है, हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये जो
एनएसडी ने सबसे बड़ी चीज जो मुझे दी है वो ये दी है, एक लगन योगी और प्रैक्टिस। क्योंकि सत्यदेव दुबे बोलते थे कि अच्छी एक्टिंग करने के तीन ही तरीके हैं, नंबर एक प्रैक्टिस, नंबर दो प्रैक्टिस, नंबर तीन प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस एनएसडी ने दी। सुबह 5 बजे 6 बजे से उठ करके रात को 12 बजे तक हम जो करते थे वो अपने आप में एक, जैसे अभी आजकल कोई नाटक या कोई फिल्म, अच्छा फिल्म का बात कर रहा हूँ, अच्छा करेक्टर, अच्छी स्टोरी उसकी कोई मिलता है तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते मतलब आते जाते हर टाइम वो घूमना चाहिए अंदर रगों में। अगर नहीं घूम रहा है और आपको अच्छे लापरवाही की नींद आ रही है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। तो ये एनएसडी ने किया है जो आज तक मेरे साथ है, और वो 3 साल बल्कि 5 साल मेरा गोल्डन पीरियड है, वो कभी नहीं आएगा। अगर आप अपनी जिंदगी की ख्वाहिशों के पन्नों को पलटें, तो वो कौन सी ख्वाहिशें थी जो आपको खींचकर इस क्षेत्र में ले आई? वो कौन से पन्ने थे, वो कौन सी ख्वाहिशें थी, वो सपने क्या थे, क्या सोचा था, क्या जो सोचा वो फलीभूत हुआ? मैं उस वक्त शायद ये बातें नहीं सोच रहा था, लेकिन आज जब मैं अपने पीछे देखता हूं घूम करके कि क्यों तुम इस फील्ड में आए, तो आज सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब जो परिपक्वता जो विचारों की है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि जब इंसानियत और परोपकार, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हजिन का आजकल मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ये इनकी जो ताकत है जी, इनकी जो ताकत है वो कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि अहिंसा की भी जो ताकत है, जो परोपकार की जो ताकत है, जो किसी गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आपको पेन हो रहा है, वो एक ताकत है। वो जो चाहे आप चुप रहे लेकिन आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, और आपको कहीं भी आपके लिए धर्म क्या है, धर्म ये है कि मस्जिद दिख गई तो भी सर झुक जाता है, गुरुद्वारा दिख गया तो भी सर झुक जाता है, मंदिर दिख गया तो भी सर झुक जाता है, सब कुछ जो भी दिख जाए सर झुक जाता है आपका, गिरजाघर हो कोई भी हो। तो वो एक ये वाली जो सोच है, उस वक्त मुझे लगता है कि मैं इसीलिए इस फील्ड में आया कि मेरा किसी भी काम में मन क्यों नहीं लग रहा था। मैं बैंक की नौकरी में, रेलवे की नौकरी में, पुलिस की नौकरी में, हर नौकरी में ट्राई कर रहा था, क्लर्क टाइपिंग सीख रहा था, लेकिन मेरा मन क्यों नहीं लग रहा था। अचानक जब मैंने रामलीला और जब ये नाटक शुरू किए तो अचानक मेरा रुझान क्यों ऐसा लगा कि यार यही तो करना है। और ये सही रूप में कब लगा, पहले शोकिया कर रहा था, लेकिन राजीव मनचंदा नाम के एक हमारे पीयूष मिश्रा के बैच के 86 के बैच के एनएसडी के पास आउट हमारे हिसार के, जब वो आए और उन्होंने एक प्रोफेशनल नाटक करना शुरू किए, जैसे पहला उनके साथ जो मेरा नाटक था वो ईडीपस था, सोचिए किंग ईडीपस, तो क्या रसगंधर, किंग ईडीपस, कुमार स्वामी और पता नहीं कितने कंजूस वगैरह, काफी सारे नाटक उस वक्त हुए। तो उस वक्त मुझे अब लग रहा है कि क्यों इस फील्ड में गया। आज भी दिनेश जी, आज भी जब भी मुझे कुछ भी तकलीफ होती है या कहीं भी मैं उलझता हूँ, कहीं भी दो राहें होते हैं तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले कि बेटा तू पैदा क्यों हुआ। पैदा अगर हो गया तो आर्ट के फील्ड में ही क्यों आया, और आर्ट के फील्ड में आ भी गया तो मुंबई क्यों आया, क्योंकि आर्ट तो कहीं भी बैठ करके या पढ़ करके या नाटक करके या थिएटर करके या कुछ भी करके अर्जित की जा सकती है, वो तो कहीं भी, मुंबई ही क्यों। तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और मुझे पता है किस तरीके से बैलेंस एक बनाना है अपने आर्ट और कमर्शियल के बीच, जो एक ब्लेंडिंग कैसे करनी है। मेरी जो फिल्म है जो आने वाली दादा लक्ष्मी, उसमें भी इसी बात का ख्याल रखा गया, इसीलिए वो बहुत महान फिल्म बन जाती है, जब रिलीज होनी है तो मुझे मालूम है वो अच्छी जाएगी, अच्छा होगा जो भी होगा, इसीलिए अच्छी बनती है क्योंकि उसके अंदर आर्टिस्टिक
चीजों को इकट्ठा करके एक कमर्शियल तरीके से पेश किया गया है, ताकि ताकि रिक्शे वाले से लेकर के एक सुपर इंटेलेक्चुअल तक को सबको अच्छी लगे। इसके अंदर वो चीजें हैं और उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही है और लोगों का जो है, तो मुझे मालूम है कि जो कलेजे से अंदर से जो चीज निकलती है, आपके आपकी जो रियल किसी के बिना कॉपी किए आपके ओरिजिनल चीजें जो निकलती है वो हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा अच्छी होती है। बिल्कुल, आपके खासतौर से इस सृजन की यात्रा में शुरुआत से लेके या शुरुआत के दौर में ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने आपको प्रभावित भी किया एक्चुअली देखा जाए तो, या फिर हो सकता है जिंदगी के उस मोड़ पर आपको संवारने निखारने का उन्हें एक मौका मिला और आप उनके निर्देशन में या उनकी गाइडेंस में संवरे भी और निखरे भी, ऐसी कौन सी शख्सियत थी दो तीन जिन्हें लगता है कि जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, महत्वपूर्ण रही है? जी मुझे वैसे तो देखिए जितने भी फिल्म डायरेक्टर या नाटकों के डायरेक्टर रहे हैं सब लोगों ने बहुत कुछ ना कुछ हमेशा सिखाया ही है, लेकिन ये सिखाना तो है इस फील्ड का, आर्ट एक्टिंग का, या उसमें मैच्योरिटी आई धीरे धीरे या आ रही है अभी भी तो, लेकिन जो जीवन के जो सही मेरे अध्यापक रहे, गुरु रहे, टीचर रहे, वो सबसे पहले मेरी माँ रही है। क्योंकि कहने को लगता है कि यार वही बासी या पुरानी पारंपरिक पता नहीं क्या विचार है या ये है, नहीं, लेकिन जो जिस व्यक्ति को मैंने कर्म करते हुए देखा है सुबह 5 बजे से 4 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक कर्म के साथ देखा है, वो मेरी पहली, जिन्होंने हमेशा ये सिखाया है कि झूठ के सहारे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, और तुम्हारी आंखें, मेरी आंखें बता देती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, ऐसे कान मरोड़ती थी पता चल जाता था कि मैंने क्या, तो बोल रही ये कभी झूठ नहीं बोलती आंखें, एक्टिंग में सबसे बड़ा ये आंखें, अगर ये आंखें झूठ बोल रही है तो साफ दिख जाता है कि ये फेक है। सबसे बड़ी टीचर मेरी माँ है, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो कर्म प्रैक्टिस कर्म सिखाया है, जिन्होंने सच्चाई सिखाई है, क्योंकि अच्छी एक्टिंग कौन सी है कि आप एक गलत नहीं सॉरी झूठे चीज को कितना कन्विंसिंगली सच बना सकते हैं, सबको पता है ये एक्टिंग है, लेकिन उसमें कितने जीवन डाल सकते हो, यही है और वही मेरी माँ ने सिखाया। और दूसरा मेरे बड़े भैया है जो आज तक मेरे आदर्श रहे हैं और जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को 6 भाई बहनों को पाला है, शादियां बड़े भैया है सबसे, वो मेरे एक आदर्श रहे हैं जिन्होंने जिंदगी को लेकर के सहज होना सिखाया। एक्टिंग का भी सबसे बड़ा एक वो है कितने सहज हैं आप, क्या कहते हैं बी देयर, कौन सी सिचुएशन है अंडरस्टैंड एंड बी देयर, सहज लगे ताकि टू लगे, डायलॉग पढ़े हुए रटे हुए ना लगे, आपकी बॉडी आपकी ऐसा ना लगे ओढ़ रखा है, तो आप लगे वो करेक्टर, तो ये दूसरा जो है वो। और बाकी कुछ टीचर रहे हैं, चाहे वो अनामिका हक्सर हैं, रॉबिन दास हैं, अभिलाष पिल्लई हैं, बहुत सारे लोग हैं, संदीप भट्टाचार्य हैं और अनिरुद्ध खुटवड़ हैं, मेरे क्लासमेट हैं तीनों, लेकिन कमाल के डायरेक्टर हैं वो, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत गहरा काम करते हैं, जुटे हुए आज तक वो थिएटर कर रहे हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। कुछ श्याम बेनेगल हैं, गोविंद हिलानी हैं, प्रकाश झा हैं जिन्होंने आशुतोष गवारीकर हैं, और बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं, ऐसे सुजीत सरकार हैं जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और सीखता हूँ, और कई बार मैं अपने से नहीं बल्कि उनका काम देख करके भी सीखा हूँ, जिसकी आपने जिक्र किया कि NSD से बहुत सारे जिन्होंने सिनेमा की, सच्चे सिनेमा की नींव रखी, वाकई में वो जो दौर था श्याम बेनेगल का, चाहे वो कौन सी फिल्म, कितनी सारी फिल्में थी जो मंथन हो, चाहे वो मंडी हो, ये भूमिका हो, और कितनी फिल्में के नाम गिना सकता हूँ, इसीलिए मैंने उनके साथ फिल्म गोल्डन अब्बा में थे, मैं उनकी 3 फिल्मों में था, मेरी सबसे एक नाम लिया, मैंने सिर्फ एक नाम लिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा
सबसे पहले समर थी, समर जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था और उसमें मैंने किया था, और फिर उसके बाद थी ये वेलकम टू सज्जनपुर, और फिर थी वेल्डन अब्बा, तीन फिल्में मैंने की हैं। उसके बाद मैं कर नहीं पाया, अभी ये बांग्लादेश वाली क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वक्फा था, कम नहीं दे पाया मैं, तो बस ऐसा ही है। एक चीज और है कि जब कभी भी बीच में मुश्किल दिन आए, हालांकि ये सवाल मुझे लास्ट में पूछना चाहिए था लेकिन इसे मैं पहले पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, प्रेरणा की जरूरत होती है, और खास तौर से इंसान जब बुरे दिन आते हैं तो घबरा जाता है, क्विट कर देता है, छोड़ देता है। जब मुश्किल आती है, मुश्किल दिन आते हैं, तो वहां पर जो संघर्ष करने की जो क्षमता होती है इंसान की, जो उसकी साधना है, जो उसके मन में तपस्या बसी हुई है, वो उसको आगे तक लेके जाती है। आपके जब मुश्किल दिन थे तो आपने उनको कैसे निभाया? क्या आपको आगे बढ़ने के लिए फिर भी प्रेरित करता रहा कि क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है? मैं बड़ा लकी हूं कि मुश्किल दिनों ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्योंकि थाली में सजा सजाया मिल जाए तो सफर का आनंद नहीं मिलता है। सही बात है। अपनी ही भिंडी तोरी उगाओ और अपने ही काट के खाओ, उसमें बड़ा मजा है, उसका आनंद ही अलग है। बड़ी बात तो है कि मैं लकी हूँ, मुश्किल दिनों ने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये बड़ी बात कही। और इस बात को जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं या एक्टिंग के जो छात्र हैं उन्हें आत्मसात कर लेना चाहिए। जी शुक्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं से पढ़ी हुई चीजें नहीं है, ये सब अपने अनुभव की जो होता है, क्योंकि ना तो मैं याद करता हूँ ना ही मुझे पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरे मुश्किल दिनों में हमेशा, खासकर मैं बॉम्बे की बात करूं तो मैंने क्या बोलते हैं, एक बार कहीं मैं हलचल मची थी अंदर बहुत भयंकर वाली, मैंने कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। वनराय कॉलोनी में एक छोटा सा रूम था, उसी में रूम में ही किचन थी, रूम में ही बाथरूम था छोटा सा, मतलब मैंने कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे, बहुत सड़क पे भागने लगा था। मैंने कहा यार भाड़ में जाए ऐसी ऐसा शहर, मतलब क्या क्या मेन रोल में करके आया हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल, बड़े नचड़ जिन्हें छोटे खेल, डेरियोफो का नाटक, उसका नाटक, इसका नाटक, पता नहीं भीष्म साहनी की कहानियां, मेन मेन रोल सारे हैं, इतने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, और यहाँ आकर के कोई रोल ही नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, और मिल रहे हैं तो मैं ठुकरा देता था सर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भूखा मर रहा था लेकिन मैं ठुकरा देता था कि नहीं करने ये सर, मैं ये करने नहीं आया। बस धीरे धीरे हुआ, मैं क्योंकि सुधीर मिश्रा जी ने कर दिया था तो मुझे, हाँ सुधीर मिश्रा जी का नाम लेना मैं भूल गया, उसमें हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जी 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 हजारों ख्वाहिशें ऐसी, चमेली, एंड एक और थी साला क्या, ये साली जिंदगी, ये साली जिंदगी। तो जी जी तो उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया था, मैं बिल्कुल गुर्बत में था उन दिनों, रोल ऑफर किया था डेली सोप में मेन रोल, मैंने मना कर दिया सर, मैंने कहा सर आपके साथ फिल्म कर, और मैं डेली सोप का हाल देख चुका था क्योंकि डायलॉग सही बोल दिया तो अच्छी एक्टिंग है, कोई फीलिंग ना हो आप ग्लिसरीन ले लो, हंसू बह गए ठीक है वो सब, और इतना इतना बॉडी पूरी काम नहीं करती, सिर्फ चेहरा और इतना सा काम करता है, बहुत कम सीखा, और लगातार मशीन की तरह, फैक्ट्री की तरह बन रहे थे उस वक्त डेली सोप, शुरुआत ही हुई थी, शांति, इतिहास, बदलते रिश्ते, ये वो युग, पता नहीं क्या क्या, तो मैंने मना कर दिया कि मैं सर डेली सोप नहीं करूंगा, करेंगे बाद में सर, अपने हाथ में होगा सब कुछ, अभी मुझे लगा डेली सोप करूंगा तो बड़ी सिक्योरिटी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, अच्छा खासा घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, फिर हो जाएगा यश पार्लर और क्या चाहिए, तो किया मैंने उनके साथ, उनको याद रही ये बात, उन्होंने बाद में मुझे काम दिया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी थी,
फिर चमेली दी, ये सारी जिंदगी दी, या फिर अर्जुन पंडित में काम दिलवाया उन्होंने, पुकार में काम दिलवाया, राम गोपाल वर्मा से मिलवाया, तो एक छोटी सी बात आपकी कितना असर कर जाती है अगर तो सही सोच के साथ हो और आपकी हो खुद की और कन्विंसिंग हो तो उसके मना करने के भी कई फायदे होते हैं मैंने देखा है, क्योंकि हर चीज को करते रहना इसका मतलब आप नहीं, आपको कोई और चला रहा है। तो फिर धीरे धीरे आप चला सकता है, ठीक है शुरुआत में करीब, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको खुद अपने आप को चलाना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी बात गुर्बत के दिनों में, मुश्किल के दिनों में एक सहजता के पेशेंस नहीं खोना चाहिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात वो है, क्योंकि रात है तो दिन भी होगा, फूल है कांटे हैं सिर हैं, सारी जिंदगी के हिस्से हैं, कुछ नहीं होता, ये आना ही जाना ही जाना है सदा के लिए, कोई कुछ नहीं रहना, कभी उतार चढ़ाव आने ही जाने हैं, तो फिर क्या किस चीज का दुख, और मंजिल हमको पता ही है कहाँ जाना है, तो किस चीज का दुख है। यशपाल जी, भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत सारे मील के पत्थर हैं जिन्हें मैं या हर व्यक्ति एक आइकॉनिक मूवी मानता है, उनकी श्रृंखला में एक नाम लगान है जो शायद भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। 70mm स्क्रीन की, जिसे क्या कह सकते हैं, एंट्री से कहते हैं, बहुत बड़ी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो शायद दोबारा कभी ना बन सके, जो बड़ी फिल्में होती है दोबारा कभी बनती नहीं है, चाहे वो शोले हो या लगान हो या फिर मदर इंडिया हो या मुगले आजम हो, लेकिन इनका कैनवस इतना बड़ा होता है कि जब आप उस क्या कहते हैं इतिहास का हिस्सा बनते हैं तो अमर हो जाते हैं, भले छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, आप भी लगान का हिस्सा रहे हैं इस सृजन की यात्रा में। वो जो कैनवस था वहां का, खासतौर से भुज का, और फिर वहां से चल के आप यहां तक आते हैं, वो अपने आप अनुभव था, उस अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए यशपाल जी। दिनेश जी, अगर मैं लगान के अनुभव की बात करूं तो फिल्म मेकिंग का उससे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आज तक नहीं दिया, ना जिया ना देखा ना सुना, इंडिया में खासकर, मैं बाहर की बात नहीं करता क्योंकि मैं नहीं जानता। क्यों, आप कितनी ही बड़ी फिल्म बना लो, RRR, KGF, ये वो कितनी ही बड़ी बना लो, लेकिन एक जो सच्चाई, ईमानदारी, सहजता के साथ कहानी सुनाने का जो एक तरीका है और उसका प्रोसेस है, कैसे कास्टिंग होगी, कैसे सेट देखा जाएगा, कैसे सेट बनाया जाएगा, कैसे ऑडिशन होंगे, कैसे स्क्रिप्ट पे काम होगा, कैसे क्या क्या होगा, किस तरीके से म्यूजिक वालों को, किस तरीके से, जो एक फिल्म मेकिंग है पूरी और 5.5 महीने लगातार शूटिंग है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। मैंने पूरी कोशिश की कि वही सब कुछ, वही एक्सपीरियंस अपनी फिल्म में करूँ, दादा लक्ष्मी, मैंने वही किया, कोशिश की करने उसी तरीके से। आशुतोष ने देखी मेरी फिल्म और वाकई उसने बोला कि ऐसा लगता है कि ये तेरी 10वीं फिल्म है, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि पहली फिल्म नहीं लगती है, बोला कि ये मतलब कमाल है। तो लगान की जो सच्चाई है वो ये दो लोग जो है ना, एक कैप्टन ऑफ द शिप आशुतोष गवारीकर एंड हिज असिस्टेंट सेकंड कैप्टन आमिर खान, इन दोनों की जो सच्चाई है, लगन है, इनका जो ईमानदारी थी काम करते हुए, इनकी जो ईमानदारी थी हर एक्टर को पैसा देने में, हर एक्टर का ख्याल रखने में, पूरे प्रोजेक्ट का ख्याल रखने में, वो ईमानदारी उनकी बहुत अच्छी दुआएं लगी उनको और बहुत अच्छा हुआ उस फिल्म का ऑस्कर तक और पैसा भी कमाया। मुझे पता नहीं क्यों अभी जब किसी का बायकॉट होता है तो मुझे बड़ी तकलीफ कि जिंदगी भर जिसने जिंदगी बिता दी, आप उसकी एक लाइन पर कैसे बायकॉट कर सकते हैं, मतलब मैं हैरान हूं।
मतलब हम लोगों ने कितनी कितनी बातें कर दी फिल्मों में, हम उनका बायकॉट नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें कर ली है हमने। खैर ये मुद्दा भटक रहा है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उसमें, क्योंकि मुझे, मैं आमिर खान को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई हैव सीन हिम समाज सेवा करते हुए, दुनिया की सेवा करते हुए, दुनिया के लिए पैसा बहाते हुए और सबके बारे में सोचते हुए, सब चीजों की, इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है। और मुझे खैर तो लगान जो है, जैसे हमारा, मुझे याद है मेरा बर्थडे था उसी दिन, हम मेरा ट्रेवलिंग था 1 जनवरी और 6 जनवरी से शायद शूटिंग शुरू हो गई थी। तो 5 दिन हम अपने कॉस्ट्यूम पहन करके मिलते थे और गांव में घूमते थे, ये मेरा घर है, ये किसका घर है, सबके घर देखते थे, अच्छा इनका क्या रिलेशन होगा, ये आना जाना कैसा होगा, मंदिर में कौन कौन जाता है, ये वो, यहाँ चौपाल में कौन कौन बैठेगा, कौन कौन बैठते होंगे, तो लाखा का किस किस से दोस्ती है और किस किस से नहीं है, किस किस से हेट है, क्यों है, क्योंकि वो गौरी गौरी को प्यार करता है अंदर ही अंदर, इसलिए वो भुवन से हेट करता है, ये वो सारी चीजें हमने डेवलप की और धीरे धीरे डेवलप होती गई। और हमको कभी भी नाम से नहीं पुकारा गया 5.5 महीने, लाखा, देवा, गोली, भूरा, इस तरीके से सबको, भुवन, सबको इस तरीके से, ताकि वो उसी में रहे। और एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी दोनों देखी हमने, जब गए थे तो एक्सट्रीम सर्दी थी और जब जब आए तो जून का महीना था और मिड जून था, 19 जून थी शायद जब हम पैकअप हुआ था 17 या 19, और अगले साल 15 जून को रिलीज हुई। मेरे ख्याल से ये एक मैनेजमेंट को लेकर के, एक फिल्म मेकिंग को लेकर के, एक सिनेमा में, सिनेमा को लेकर के इतिहास में ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। और इसकी जो मेकिंग ऑफ लगान अगर आप पढ़ते हैं या देखते हैं, पैशन ऑफ डेजर्ट, मैंने पढ़ी हुई है जी, तो वो अपने आप में वो भी एक इंस्पायरिंग है। मेरे ख्याल हर सिनेमा लवर को वो किताब पढ़नी चाहिए और मेकिंग ऑफ लगान को जरूर देखनी चाहिए। ये बात आपने सही कही, इसलिए मैंने खास तौर से लगान का जिक्र किया यहाँ पर, क्योंकि मैं ही नहीं, भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के जो सिनेमा को चाहने वाले लोग हैं उन्हें मालूम है कि लगान एक वास्तव में एक ऐसा मील का पत्थर है जो शायद आने वाले समय में लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा, एक किस्म से उन्हें बताता रहेगा कि फिल्म मेकिंग ऐसे भी हो सकती है। आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया आपने, खासतौर से गंगा जल, प्रकाश झा का, फिर उसके बाद अब तक 56, लक्ष्यम, सिंग इज किंग, अलग अलग जॉनर के अंदर आपने काम किया, अलग अलग चरित्र निभाए। मैं उन चरित्रों को ये नहीं कहूंगा कि ये विलेन थे या ये एक साधारण पुरुष थे या ये थे, लेकिन चरित्र कोई भी हो, निभाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उस चरित्र के अंदर आपको पहले डूबना पड़ता है, तब पर्दे के ऊपर वो चरित्र जीवंत हो जाता है। तो आपको उस हिसाब से देखा जाए तो जो डायरेक्टर्स मिले हैं वो काफी अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं, जिन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना और आपको ऐसे रूप में पेश किया जहां पर आप लोगों के मन के ऊपर छा गए। ऐसे क्या मोमेंट्स थे, ऐसे क्या क्षण थे, ऐसी कौन सी फिल्में थी जो आपकी सृजन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी? सच बताऊं तो उस टाइप की फिल्म अभी तक नहीं आई है, अभी आएगी जो आप बात कर रहे हैं। थी फिल्में हैं, अपहरण है, लगान है, गंगा जल है, वेलकम टू सज्जनपुर है, चमेली है, और भी दास कैपिटल है एक फिल्म जो OTT पे चल रही है, उसमें मेरा मेन रोल है, या अभी जो आने वाली है मूसो एंड छिपकली, मिस्टर पानवाला, जिनमें भी मेन रोल है तीनों में, जो कि बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो और जल्दी से कहीं हो रही, और मेरे ख्याल से दिवाली पे होने की पूरी उम्मीद है इस फिल्म की, तो उसके बाद दूसरी तीसरी। तो ये जो फिल्में हैं इनका, इनको जो करते हुए सबसे ज्यादा लगान, आपने क्योंकि अभी सवाल है, सबसे ज्यादा लगान में टाइम भी था, इसलिए हमने उसको जिस तरीके से डेवलप किया उस करेक्टर को, उस करेक्टर को,
वो बहुत यादगार रहा है। फिर दूसरा, कई फिल्में ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि सुई से काम चल जाएगा तो तलवार ना चलाऊं, तो इसीलिए क्योंकि मेरा, कई लोग है ना जो जो मेहनत करते हैं रोल के लिए, वो मेरी बचपन से मेहनत हो चुकी है, बहुत सारे काम हो चुके हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बस वो करना होता है, मोल्ड करना होता है अपने आप को, या सरेंडर करके उस खाली बर्तन में कुछ कुछ डालना होता है ताकि मैं उस उसकी स्किन को कम से कम पहले पकड़ सकूं डायरेक्टर की, और उसके चाल ढाल, जेस्चर, पोस्चर, उसका बोलना। मैं नहीं, उस एक्टिंग को पसंद नहीं करता जिसमें बार इसमें बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करके, और या फिर नाड़ा लटका करके, पजामे का एक ऊपर नीचे करके हिस्सा, या मुंह बना करके, या डायलॉग कॉमेडी, या वो एक्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद करता हूँ, या लाउड, हमेशा लाउड रहना थोड़ा सा अब तकलीफ देने लगी, पहले समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने भी कई बार किया है ऐसा, लेकिन अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अंदर से निकलना बहुत जरूरी है, और हम जिस तरीके से जिंदगी में जीते हैं उस टाइप से ही करना बहुत जरूरी है, ना कि उसको एक्शन, कैमरा ऑन होते ही एक्शन होते ही आप अचानक से कुछ और नहीं हो जाते हो, तो हम कितना सहज दिखे और कितना जो करें, तो उसके लिए अपहरण ने बहुत साथ दिया है। अपहरण फिल्म के जो जेल के अंदर अब तक 56 में मैंने बहुत रिसर्च किया था, उनकी क्राइम ब्रांच में जा करके भी, और उसके दाऊद और दया नायक और प्रदीप शर्मा के बारे में पढ़ करके काफी कुछ मटेरियल था, हमने पढ़ा और बहुत सारी चीजें उसमें उसमें भी बहुत मजा आया करके, बहुत अच्छा लगा, और उसकी भी वो सहजता काम आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक राइवल भी है लेकिन वो विलेन विलेन जैसा नहीं दिखना चाहिए, वो चलते फिरते जो होते हैं वही दिखने चाहिए, जो होते हैं पता नहीं हमारे आसपास घूम रहे होते हैं लोग, बड़े प्यारे प्यारे अपने साथ हंसते खेलते हैं, वही विलेन होते हैं कई बार, तो वो विलेन उस तरीके का भी होता है और बड़ा अच्छा लगा। एक तो फिल्में आपकी ऐसी भी हैं, है तो बहुत सारी जो एक तरह से आउट एंड आउट एंटरटेनिंग मूवीज हैं, सिंह इज किंग और राउडी राठौर, और उनको मैं जरूर याद करना चाहूंगा, जब इस किस्म की फिल्में जो पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, और जहां पर पुराने जमाने में कहते थे ना मनमोहन देसाई की फिल्में आती थी, तो मनमोहन देसाई कहते थे कि मैंने पिक्चर दिल्ली वालों के लिए नहीं बनाई है, गाजियाबाद वालों के लिए बनाई है, तो लोग अपना दिमाग ना घर छोड़ के जाएं और वहां जाके लॉजिक ना ढूंढे। तो कभी कभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंह इज किंग और राउडी राठौर वैसी है मनमोहन देसाई टाइप, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई बार लॉजिक ना ढूंढे जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आपका अनुभव खासतौर से सिंह इज किंग और राउडी राठौर का क्या रहा? नहीं बढ़िया रहा, पर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जी। अच्छा है, मतलब मैं करता हूँ, मुझे बड़े बड़े स्टारों के साथ वो रहता है, लोगों को अच्छा लगता है कि, और इसने उसके साथ काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ किया, सलमान खान के साथ किया, लेकिन मुझे उसमें इतनी खुशी नहीं मिलती है कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे सच बताऊं तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी एंटरटेनिंग फिल्म किया हूँ ये भी है, और उसके बाद वेलकम टू सज्जनपुर में भी अच्छा खासा पॉइंट रोल है मेरा जी जी, और भी हैं जो शायद इतनी फेमस नहीं हुई है फिल्में, लेकिन बहुत कॉमिक रोल है, बल्कि नाटकों में तो मैंने बहुत कॉमेडी की है, पता नहीं कैसे फिल्मों में अचानक से गंगा जल हर रोज आ जाती है टीवी पे, और लोगों ने वही मान लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, तो कई बार वो हर हफ्ते आती है मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं दिख जाती है स्टार गोल्ड पे, सोनी पे, इधर उधर। हाँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े स्टारों के साथ काम किया, मैं सच बताऊं, लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलती है, मुझे सेटिस्फेक्शन उन्हीं फिल्मों में मिलती है जहां मुझे कुछ करने को मिले जी। मतलब ठीक है, ये जब देखते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी है, कॉमेडी भी है, बढ़िया है, लेकिन जो एक मजेदार बात है, वो मजेदार बात जैसे अब तक 56 की है, लगान की है, गंगा जल की है, वेलकम टू सज्जनपुर की है, चाहे चमेली में छोटा रोल था लेकिन उसकी है, वो भी मजा आया करके, बहुत ही बढ़िया, और भी कई फिल्में ऐसी हैं जिनको करके बड़ा कमाल हुआ, या फिर मेरे कंधे पर पूरी फिल्म है जो अभी आने वाली है, वो करके जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिनकी वजह से मैं
बॉम्बैया बॉलीवुड की फिल्में मैंने बहुत कम कर दी है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आप पूछेंगे ना किसके साथ काम करना चाहते हैं, तो मेरे लिए अभी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इरफान खान थे, इरफान खान के साथ मैंने काम एक फिल्म की थी, और अब लेकिन वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी, तुलसी, जिसमें मैं विलेन था, वो हीरो थे मनीषा कोइराला के साथ। लेकिन अब मुझे लगता है कि बस वैसे ही एक्टर, वैसे ही कहानियां, वैसे ही चीजें जिसमें सेटिस्फेक्शन हो, कुछ करने को हो, अलग हो। मैं वेब सीरीज भी देखता हूँ, मैं फिल्में भी देखता हूँ, मुझे ना कहीं कोई नयापन बहुत कम नजर आता है, बहुत कम नजर आता है। कहीं कहीं किसी किसी में दिखता है यार ये अलग है कुछ, या इसने अपनी इमेज को तोड़ा है। जैसे मेरे लिए अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए सिनेमा में या टीवी के पर्दे पर नीली छतरी वाले जो है वो मेरी पाथ ब्रेकिंग फिल्म सीरियल था, जो एक एक घंटे के एपिसोड होते थे नीली छतरी वाले। वो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने आप को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया था, बिल्कुल, और बिल्कुल नया यशपाल दिखा था। मैं वैसा ही कुछ करना चाहता हूँ, कि अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बॉडी को तो बदल नहीं सकता अपनी, मेरे आंख नाक कान तो वही रहेंगे, ज्यादा क्या हुआ थोड़ा मेकअप करवा लूंगा, ये करवा, लेकिन आवाज को भी नहीं बदल सकता इतना, कितनी बार बदल लूंगा। तो मैं टिकली लगा के भी 56 टिकली बन जाऊंगा, क्या हो जाएगा उससे, कितना कुछ कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अंदरूनी रूप से चेंज आने वाले, और रिदम आपकी चेंज होती है, जिसमें हर करेक्टर की एक रिदम होती है। सा ही बेसुरा ना हो, सा हो वो सही हो, तो किसी का सा यहाँ है, किसी का सा यहाँ है, किसी का भाई यहाँ है, तो किसी का यहाँ, तो वो जो सा है एक, वो पकड़ करके मैं अपनी रिदम जो है वो तेज और स्लो कर सकता हूँ, और वो करेक्टर में थ्रू आउट मेंटेन करने की जरूरत है, तब जाकर के डिफरेंट करेक्टर बन जाते हैं, बन सकते हैं। ये चीजें मुझे धीरे धीरे अब समझ में आने लगी। मेरे पास कुछ सवाल हैं, एक थोड़ी सी जिज्ञासा भी है कि श्याम बेनेगल फिल्मों की जो उनमें समझ है वो अनमोल है, और आपने काफी फिल्में की उनके साथ में, एक इंस्टीट्यूशन है अपने हाथ में, उन्होंने कई सीरियल भी किए हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण सीरियल जो भारत के लिए एक मील का पत्थर भी है वो किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, फिल्में भी ऐसी। जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कथा सागर, संक्रांति में मैंने जी, सबसे पहले जी, मेरे ख्याल से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका ये राज्यसभा टीवी के लिए मुझे लगता है शायद। जी, संविधान जी, संविधान की जो मेकिंग है वो उन्हीं का ही है, वो तो वो अपने आप पे शायद बहुत लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट था वो, जिसको उन्होंने किया है, वो पे जिसे हम इतनी जल्दी उसकी गहराई को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेनेगल के साथ काम करना आपको कैसा लगा? वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन तो है ही। खैर सर, बेनेगल आपने सही बोला, सत्यजीत रे की तरह एक चलती फिरती इंस्टीट्यूट है जी। वो दिमाग के अंदर मतलब सब कुछ ऐसा एक एक पल एक क्षण का है, इतना होने के बावजूद भी वो स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसा करो। वो कहानी को आपको छोड़ देते कि नहीं ये एक्टर ठीक है, समझ रहा है ना कहानी को, इसको अपने हिसाब से कर लेते जी। ये बड़ी कमाल की बात है, थोपते नहीं है, एक तो कभी करके नहीं बताते कि ऐसा करना है जी। दूसरा वो एक्टर को छोड़ते हैं कि तुम्हारा पीओवी जो है, पॉइंट ऑफ व्यू, उसी तरीके से करो जी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा याद दिलाता हूं उनका। मैं समर फिल्म कर रहा था और शनिवार का दिन था, और तकरीबन 15-16 दिन शूटिंग हो चुकी थी, अभी 10 दिन और बाकी। तो सब लोगों ने बोला कि कल संडे है सर, एक छुट्टी तो कर लो। तो ठीक है, उन्होंने शनिवार को जो शूटिंग थी उसमें मेरा एक 7 मिनट का सीन था, रजित कपूर और एक और थे एक्टर राजेश्वरी सचदेव, और एक और एक्टर थे रवि झाकल, ये 3 एक्टरों के साथ मेरा सीन, और मेरी वाइफ थी जो बनी थी वो वहां की लोकल थी। तो सर एक सीन हुआ, और वो सी हम गांव वाले हैं, वो बाहर से आए हैं शूटिंग करने, इस तरीके का एक सीन था। तो सीन हो गया 7 मिनट का, 1 शॉट, कहीं कट नहीं, काफी टाइम लगा, हो गया पैकअप हो गया, छुट्टी हो गई। अब पैकअप होते ही कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में वो आई लड़की, बोली सर एक गलती हो गई। मैंने कहा क्या हो गया?
बोले आपकी जो वाइफ है ना उसने बूंदे नहीं पहन रखे थे। मतलब बूंदे मतलब तो क्या हो गया, मैंने कहा पूरे सीन में नहीं पहने ना। बोले हाँ पूरे सीन में नहीं पहने। आप कहते ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ, बोले नहीं लेकिन पूरी फिल्म में बाकी सीन में है। तो बोले एक काम करो, अभी तो पैकअप हो गया है, श्याम जी भी चले गए हैं, लेकिन झूठ मत बोलना क्योंकि अभी हम यहीं पर है, दुल्हन घर पे है, तो जो भी है अभी हो सकता है। उन्होंने बताया श्याम जी को, श्याम जी ने कुछ नहीं कहा, बोले कल की छुट्टी कैंसिल। और अगले दिन आए, सुबह दोपहर तक सीन किया, शूटिंग किया, फिर पैकअप किया, फिर आधा दिन छुट्टी किया। क्योंकि अगर कोई भी डायरेक्टर होता, आम डायरेक्टर, तो इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा वो कुछ नहीं करता। अरे ठीक है ना, क्या कौन देख रहा है, एक्टिंग देखेंगे कि वो देखेंगे, लेकिन सर ये कंटिन्यूटी का खेल, ये छोटी चीजों का खेल, ये जो गहराई है, ये जो डिटेल है, ये जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन की तरफ जाने की जो एक वो है, ये बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे, इवन आमिर खान से। मुझे याद है एक बार बमन ईरानी का एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी श्याम के बारे में कि अगर मैं उनके साथ काम नहीं करता तो शायद मैं अधूरा रह जाता। उनके साथ काम करना ही अपने आप में इतनी बड़ी लर्निंग है कि फिल्म मेकिंग होती क्या है अल्टीमेटली, ये श्याम बेनेगल से सीखने को मिला। मैं आता हूं आपकी, एक राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है और 62nd राष्ट्रीय पुरस्कार, आपका अभिनंदन, बधाई हो। आप 62nd शायद 62वां शायद लिखा है जो मेरे पास जो डिटेल्स वो खैर ये तो इमेटीरियल है कौन सा, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार है इसमें। हो सकता है जो टेक्स्ट मुझे मिले हैं उसमें शायद कहीं कोई नंबर की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो आपका अभिनंदन है, वो आपकी तपस्या का एक तरह से प्रतिसाद भी है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए मिला और क्यों मिला, इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, ये आप दर्शकों को बताइए कि इस राष्ट्रीय पुरस्कार के पीछे की छोटी सी कहानी क्या है। शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने बधाई दी राष्ट्रीय पुरस्कार की। और कहानी कुछ नहीं, कहानी तो यही है कि मैं इसको फिल्म को बनाने में तकरीबन 5.5 साल लगे हैं। और कौन सी मुझे फिल्म लगा था कि दादा लक्ष्मी जी, दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है और पंडित लक्ष्मी चंद वो करेक्टर है, फोक आर्टिस्ट है, जो आज से 100-120 साल पहले पैदा हुए थे जी, 121 साल पहले पैदा हुए थे, और जो आजादी से पहले ही 1945 में मर गए थे। तो उन्हीं की कहानी है और वो फोक आर्टिस्ट है, फादर ऑफ हमारे लोक नाट्य को कह सकते हैं हम, स्वांग की, जिन्होंने जो जिसको को बोलते हैं कि लक्ष्मीचंद से पहले के स्वांग इरा और उसके बाद का युग, उस तरीके से उसको मिला, मील का पत्थर जिसको बोलते हैं, यहां से पहले और यहां के बाद का डिसाइड करो, ये तो है ही। तो वो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान या एक अध्यात्म का जो दिया है और भविष्यवाणियां जो की थी, वो एक अद्भुत व्यक्तित्व थे और उनकी लाइफ के ऊपर ये फिल्म है। और फिल्म क्योंकि म्यूजिकल थी, म्यूजिकल है, तो आधा टाइम फिल्म का जो है गानों में है, और गाने उत्तम सिंह जी ने किए हैं, और बहुत ही मेरे ख्याल रीबर्थ ऑफ उत्तम सिंह जी ऐसा लगता है मुझे ये फिल्म होने वाली है, क्योंकि हिला के रख देती है ये गाने उनके और बहुत ही कमाल। और करते करते मुझे पता लगा कि ये बहुत लंबी बनेगी फिल्म, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट कर दिए, उस फिल्म को 2 हिस्सों में बनाया। तो अभी जिसको नेशनल अवार्ड मिला वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी बननी है जी। तो ये फिल्म है वो दादा लक्ष्मी, जिसने कई इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है, तकरीबन 55 से ऊपर इंटरनेशनल, तो तकरीबन जब से ये रेडी हुई थी तब से मैं फेस्टिवल में डालना शुरू किया था, डेढ़ साल हो गया, और अब मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो फिल्म का 1 ईयर होता है जो स्पैन, उसी में डाल सकते हैं अच्छे फेस्टिवल, तो वो हो गया। तो मतलब
अच्छा लग रहा था, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे बहुत खुशी है। मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है दिनेश जी कि इसको बेस्ट हरियाणवी फिल्म मिला नंबर एक, बात अलग है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि बाद में मुझे जूरी मेंबर से रिजल्ट आने के बाद पता लगा कि बेस्ट एक्ट्रेस को लेकर के मेघना मलिक के बारे में बहुत बहस हुई इसको देने में, इस फिल्म के इसको बेस्ट एक्टर को देने में इस फिल्म में बहुत बहस हुई देश को, इसमें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट को योगेश को देने में बहुत बहस हुई, इसमें बेस्ट म्यूजिक का पुरस्कार देने के लिए भी बहस हुई और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर भी देने के लिए बहस हुई। मैं तो इसी में बाग बाग हूँ सारा, मिले ना मिले चलो आपस में जूरी ने कम से कम इतना गहन विचार तो किया, मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वहां साउथ इंडियन की भरमार ज्यादा होती है मेरे ख्याल से, या है थी, और क्योंकि हर आदमी का अपना अपना होता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी ही फिल्म सबसे बेस्ट है, लेकिन वहां भी तो कुछ बेस्ट होंगी, इसीलिए उनका जो भी रिजल्ट है मैं सर माथे पर बोल करके उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लायक समझा और दिया। और मैं हरियाणा को खासकर, जिसमें हरियाणवी सिनेमा को एक अच्छी फिल्म दे पाया हूँ और एक अच्छा एक पुरस्कार दे पाया हूँ, डिग्निफाइड पुरस्कार दे पाया, मुझे इस बात की खुशी। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के आखिरी सवाल पर आऊं, हालांकि यात्रा तो लंबी है, एक चीज पे थोड़ा दुख होता है कि आजकल बॉलीवुड सिनेमा के अंदर गांव जो है गायब होते जा रहे हैं और शहर, यानी कि पिक्चरें भी ऐसी हैं कि जो एक कमरे से शुरू होकर दूसरे कमरे में खत्म हो जाती हैं। तो एक जमाना था जब भारतीय फिल्मों के अंदर गांव का चित्रण बड़ी बखूबी किया जाता था, पूरी पिक्चरें गांव के ऊपर ही देखा जाए तो डिपेंड होती थी। हालांकि कुछ सीरियल्स अभी आए हैं जैसे कि पंचायत वगैरह हैं, जो गांव की जो डेली लाइफ है उसके ऊपर है, काफी पॉपुलर भी हुए हैं, लोग लव भी कर रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन एकदम से गाँव का निकल जाना फिल्मों में से, इक्का दुक्का आती है बीच में, लेकिन पहले जहां पर एक मेन स्ट्रीम के रूप में गाँव प्रदर्शित किए जाते थे वो गायब हो गए भारतीय सिनेमा से, बदलते स्वरूप का शायद ये भी कोई एक चिन्ह होगा। एक छोटी सी टिप्पणी इसके ऊपर आपकी। इसीलिए गांव के करेक्टर, पूरा गांव, पूरे गांव का माहौल, इसीलिए वो लोकेशन ढूंढने में 100 साल पहले की मैंने बहुत मेहनत की और बहुत मुश्किल से मिले भी हैं और मैंने उनको फिल्माया भी है। उसमें ना प्लॉट प्लास्टिक होना चाहिए, ना पानी की टंकी होनी चाहिए प्लास्टिक की, ना कोई कार होनी चाहिए, ना स्कूटर होना चाहिए, ना मोटरसाइकिल होना चाहिए, ना पक्की सड़क होनी चाहिए। उस गांव में बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ा, लेकिन मैंने किया और हुआ और अच्छा हुआ। तो ये जो गांव है, गांव गांव को बना करके हम गांव क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत कम होता है ऐसा। फिर वहां के क्राउड भी हम झूठे झूठे से नकली नकली पगड़ी वगड़ी पहना करके दिखा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और ये क्या है कि कुछ तो है अभी भी कर रहे हैं, आजकल शूटिंग ज्यादातर लोग बाहर ही करते हैं, गांव में ही जाके करने लग गए हैं, और अभी काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो गांव के या छोटे शहरों के, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, यहाँ बहुत शूटिंग होने लग गई अभी, और हरियाणा में भी इवन अभी रणदीप हुड्डा की, राजकुमार राव की फिल्म चल रही थी, और सलमान खान की भी सुल्तान आई, या दंगल आई आमिर खान की, या उस तरीके से तनु वेड्स मनु आई, ये लोकल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गांव की फिल्में लोकल की तरफ तो बढ़े हैं, लेकिन वो गांव के अंदर जाके शूटिंग करने से घबरा रहे हैं। वो अभी भी शहरों के पास आस पास या फिर स्टूडियो में लगा करके वो करना चाह रहे हैं, जो कि ऑथेंटिक नहीं लगते हैं बहुत बार 90%। तो इसीलिए उसके लिए मुझे लगता है कि ग्लोबल ग्लोबल तो हम तभी हो सकते हैं जब लोकल हो, लोकल होना बहुत जरूरी होता है। खैर सवाल तो बहुत है लेकिन समय की बाध्यता फिलहाल, तो जिंदगी की सीढ़ियां तो आपने चढ़ी और जिंदगी सीढ़ियों से ही ऊपर जाती है, एलिवेटर से ऊपर नहीं जाती है, ये बात तो एक सच है। आपने भी अपनी जिंदगी सीढ़ियों के द्वारा ही पूरी की, देखा जाए तो एक एक कदम रख के, एक एक पग रख के। कोई ऐसी चीज इस जीवन के अनुभव की यात्रा में, संघर्ष और सृजन की यात्रा में,
जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि ये सीढ़ियां कितनी मुश्किल थी या कितनी आसान रही, या इन सीढ़ियों ने कैसे आपको प्रेरणा दी, ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपसे। यशपाल जी। जी दिनेश जी, मैं खैर कौन होता हूँ मतलब किसी को कुछ सिखाने वाला या बताने वाला, क्योंकि इसमें कोई भी ना एक फॉर्मूला नहीं होता जिंदगी का या एक्टिंग का, सिखाने का या सीखने का, कि दो और दो चार ये ऐसा होता है। लेकिन हर आदमी का अपना नजरिया है, और अच्छी चीज भी वही है कि हर एक चीज को देख करके 50 लोग 50 विचार लेकर आए, ये अच्छी चीज होती है, ना कि 50 लोग एक ही विचार में फंसे रहे कि अरे ये तो ये है, मैंने बता दिया कि ये है, तो सब लोग वैसा ही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ, आप जो भी श्रोता है, जो भी दर्शक है, वो अपना हिसाब से उसको लीजिएगा, जो ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जहां से सुनिएगा वहां से निकाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि क्रिएटिविटी का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि फटाक से, वो आपने जैसे बोला कि छलांग लगा करके या ऊपर चढ़ गए, या अब आप देख लीजिए हाई जंप का जो बांस है वो हाई जंप करवा तो देता है एक बार, लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी लाता है वो। तो इसीलिए हमको अपनी पूरा करने के लिए अपनी जर्नी को अगर आप चाहते हैं, तो हो सकता है किस्मत की वजह से आपको एकदम से कुछ मिल जाए, अच्छी बात है, हमेशा मिलना भी चाहिए, लेकिन आप मेहनत के दम पर जब करेंगे ना तो आपका मजा ही अलग होगा और वो अच्छा होगा, क्योंकि वो दुनिया में कहते हैं ना कि जो आदमी झूठ नहीं बोलता उसको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने किसके सामने क्या बोला था। तो इसीलिए जो अच्छी एक्टिंग करता होगा, जो मेहनत के साथ कर रहा होगा, उसको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे सामने कौन होगा जी, या मैं उसको खा जाऊंगा, या मैं उस पर हावी कैसे हो जाऊं, नहीं, ये सब विचार आएंगे ही नहीं, ये सब सेकेंडरी विचार है। अगर आप अपनी लकीर को बड़ा करने में लगे हैं तो किसी और की लकीर मिटाने का ख्याल भी मन में नहीं आएगा, क्योंकि किसी और की लकीर मत मिटाइए, आप उससे आगे निकल जाइए, खुद की लकीर बड़ी चीज है। तो मुझे, मेरा तो ऐसा मानना है, और मुझे तो यही है कि आजकल तो मोबाइल में भी लिटरेचर आ गया, थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ते रहना चाहिए, छोटी छोटी कहानियां पढ़ते रहना चाहिए, कविताएं पढ़ते रहना चाहिए, जितना टाइम मिले, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आप हर रोज एक भी चीज कुछ पढ़ लेते हैं ना कहीं, आपको अच्छी चीज तो आपको हल्का सा मैच्योर कर देती है, थोड़ा सा रिच कर देती है, आपको लगता है एक कदम आगे बढ़ रहे हैं हम जिंदगी में, बस वही है। और बाकी तो हर आदमी की अपनी जर्नी है, आपको पैसा कमाना है सर, या आपको सिद्धि पानी है, वो बीवी कारंत हमारे एक डायरेक्टर थे कर्नाटक के, जो NSB के डायरेक्टर भी रहे, उन्होंने मैंने उनके साथ 2-3 नाटक किए हैं, तो उन्होंने एक बात बोली थी, एक लड़के ने पूछा उनसे कि सर ये अभी 15 दिन हुए 20 दिन हुए इसको आए हुए, इसने एक सीरियल कर लिया तो अखबारों में नाम आ गया इसका, हमको 15 साल हो गए आपके साथ काम करते, आज तक अखबार में हमारा नाम नहीं आया, सर क्या करें इसको। तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर प्रसिद्धि लिखा और बोले अगर ये चाहिए तो आप चौक पे जाइए, कपड़े उतार दीजिए, आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन प्र मिटा दिया, लेकिन अगर ये सिद्धि चाहिए तो समय मांगता है, तो आप थोड़ी सी पेशेंस, तपस्या है ये, और ये वक्त के साथ ही आती है, वो सीढ़ियों से ही आती है, सवाल तो बहुत हैं लेकिन समय कई बार बाध्य कर देता है कि भाई रुक जाओ, फिर कभी दोबारा कर लेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि उन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं, क्योंकि ये सवाल जो हैं ये जिंदगी के सवाल हैं, जिंदगी से निकली हुई जो कहानियां हैं उनके सवाल हैं, वो जो आपके सृजन शक्ति से पैदा हुए पर्दे के ऊपर उनके भी सवाल हैं, तो उन सवालों के बारे में भी किसी और क्या कहते हैं समय आकर, वापस आकर फिर से बात करेंगे। आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, अपनी जिंदगी के जो आयाम थे उनके बारे में दर्शकों को बताया। मुझे कई बार लगता है कि हालांकि जिंदगी की कहानी कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने
प्रोग्राम को तो विराम लगाना ही पड़ेगा। खैर दर्शक मित्रों, हम आपसे विदा लेंगे और यशपाल जी आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि अपने जीवन अच्छा लगा दिनेश जी, आप जिस ठहराव के साथ इंटरव्यू करते हैं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो लोग भाग रहे होते हैं, पता नहीं क्या दौड़ है क्या भाग है, समझ में नहीं आता। और मैं इसीलिए आपसे इंटरव्यू देने में थोड़ा लेट भी हुआ कि मैंने कहा जब भी तसल्ली बख्श टाइम होगा आराम से करेंगे, तसल्ली से आज बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, आपने जीवन के उन पहलुओं को छुआ जो आपके जीवन से अंतरंग हिस्से, जैसे क्या कह सकते हैं, अंदर के हिस्से थे, अंतरंग हिस्से थे, और दर्शकों को प्रेरणा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होंगे आपकी इस संघर्ष यात्रा से, सृजन की यात्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर आपके साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल्स के साथ। शुक्रिया।